वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। पाकिस्तान जिसके नाम में तो पाक शब्द है पर अंदर से ना तो नियत पाक है और ना हरकत। हिंदुस्तान में आप बेशक मुस्लिम ये कह दें कि हम सेफ है पर पाकिस्तान में हिंदू ये नहीं कह पाता। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कट्टरपंथी बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे, साथ ही साथ भारत से गए मुस्लिमों के साथ क्या कुछ हो रहा है आपको इस खबर से पता चल जाएगा। भारत में पैदा पाकिस्तानी मोहम्मद कमर की ओर से भारतीय नागरिकता मांगी जा रही है। मोहम्मद कमर 2011 से हिरासत में है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। मोहम्मद कमर की कहानी तो बॉलीवुड की कहानी से भी परे है। 1959 में भारतीय माता पिता के यहाँ मेरठ में जन्मे कमर 8 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ लाहौर के शलामी इलाके में अपने रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गए थे। दुर्भाग्य से वीजा अवधि समाप्त होने से पहले कमर की मां की मौत हो जाती है और उसे वहीं अपनी मां के रिश्तेदारों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। कमर की पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला और 1989 से 1990 में भारत आए। भारत आने के कुछ समय बाद कमर ने मेरठ के शहनवाज बेगम से शादी कर ली और इन दोनों के 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। कमर का वीजा बहुत पहले समाप्त हो गया था लेकिन अनपढ़ होने की वजह से उनका रेन्यूअल की कमी यहां पर जहमत नहीं उठाई। 8 अगस्त 2011 को विदेशी अधिनियम के तहत वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रहने के लिए कमर को गिरफ्तार किया गया। मेरठ की एक अदालत ने दोषी ठहराया और 3 साल और 6 महीने के लिए सजा सुनाई। 6 फरवरी 2015 को सजा पूरी होने पर उसे दिल्ली के नरेला स्थित लामपुर डिटेंशन सेंटर में भेजा गया जहां तब से वह बंद है। पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक के रूप में कमर की पहचान को स्वीकार करने से बार बार इनकार किया और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। कमर की बेटी एना परवीन ने इस आधार पर अपने पिता की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कमर की पत्नी और बच्चों के पास सभी के आधार कार्ड है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि उसने 3.5 साल की अपनी सजा काट ली है। अब अपनी सजा काटने के बाद उसे 2015 से हिरासत केंद्र में रखा गया है जहां वो स्वदेश वापस भेज जाने का इंतजार कर रहा है। जब पाकिस्तान से उसे अपने नागरिक के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया तो आप उससे कब तक कैद रख सकते हैं? अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।